अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़हीम शहज़ाद है। मैं इफ़मा सर्टिफाइड बाई सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ। मैं आपको लोकल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए कोरोना वायरस के सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रिपल पैकेजिंग के बारे में बताऊँगा। ये वो ट्यूब है जिसके अंदर आपने सैंपल कलेक्ट किया है। सबसे पहले इस ट्यूब को डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्ट करने के लिए टिश्यू को वेट करें डिसइंफेक्टेंट के साथ। ट्यूब को टिश्यू के साथ अच्छी तरीके से डिसइंफेक्ट करें ताकि इसका कोई पोर्शन रह ना जाए। डिसइंफेक्ट करने के बाद इसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्बेंट मटेरियल में लपेटें। एब्जॉर्बेंट मटेरियल इनफ मिकदार में होना चाहिए ताकि अगर कहीं से कोई भी सैंपल लीक हो तो वो उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद इसको सेकेंडरी कंटेनर के अंदर पैक कर लें। सेकेंडरी कंटेनर के लिए आप जिपर बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 15 ml की फैल्कन ट्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इसके अंदर पैक कर दें। अब आप ग्लव्स उतार दें। ग्लव्स उतारने के लिए वीक मेथड इस्तेमाल करें। अब हाथों को सैनिटाइज कर लें। दोबारा से ग्लव्स पहन लें। अब सेकेंडरी कंटेनर को डिसइंफेक्ट कर लें। उसके लिए दोबारा टिश्यू पेपर को वेट करें डिसइंफेक्टेंट के साथ और इसको अच्छे तरीके से वाइप कर लें। याद रखें कि स्प्रे नहीं करना क्योंकि स्प्रे करने से एरोसोल जनरेट होने का खतरा होगा। अब इस सेकेंडरी कंटेनर को एक दूसरा कंटेनर इसके अंदर पैक कर दें। इसके साथ जो पेशेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म है वो भी इसके अंदर पैक कर दें। याद रखें कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा सैंपल्स हैं तो तमाम सैंपल्स को अलग सेकेंडरी कंटेनर के अंदर पैक करने के बाद एक ही टर्शरी कंटेनर के अंदर पैक कर सकते हैं। टर्शरी कंटेनर को पैक करने के बाद इसको डिसइंफेक्ट करें। डिसइंफेक्ट करने के लिए दोबारा से टिश्यू पेपर को डिसइंफेक्टेंट के साथ वेट करें और अच्छे तरीके से टर्शरी कंटेनर को वाइप करें। अब आपका सैंपल शिप करने के लिए या फिर लेबॉरेटरी भिजवाने के लिए तैयार है। आप इसको आइस बॉक्स में रखकर लेबॉरेटरी भिजवा सकते हैं। शुक्रिया।